बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो द कश्मीर सीक्रेट और मैं एजाज तांत्रे। नाज़रीन किराम, इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको आगाह कराते हैं। आपको बताना चले कि बीजेपी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कश्मीर सुनील शर्मा की तरफ से एक बड़ा बयान जो है वो अभी अभी सामने निकल कर आ चुके हैं और बयान में साफ तौर पर ये लिखा गया है कि फारूक अब्दुल्ला बहुत जल्दी जेल में होंगे। और आपको बताना चले कि उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले असम्बली इलेक्शन में बीजेपी जो है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो है वो बीजेपी का होगा और फारूक अब्दुल्ला को हम जेल भेजेंगे। और पीडीपी के हवाले से इन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि पीडीपी कब्रिस्तान में पूरी तरह से दफन हो चुका है और लोगों उन्होंने ये भी कहा कि लोग जो हैं वो आज बीजेपी को वोट दे रहे हैं, बीजेपी के साथ हैं। बहुत कम टाइम में जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो बीजेपी के साथ जुट चुकी है। बहरहाल इस वक्त का एक बड़ा अपडेट है जो सामने आ चुके हैं। कुछ देर पहले जो बयान बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कश्मीर इंचार्ज सुनील शर्मा की तरफ से सामने निकल कर आ चुके हैं और कुछ टाइम पहले इन्होंने ये बयान दिया कि एक स्टेटमेंट आई है। स्टेटमेंट साफ तौर पे ये लिखा गया है, न्यूज़ 18 ने भी इस बात की तस्दीक की हुई है कि आने वाले टाइम पे चीफ मिनिस्टर जो है वो बीजेपी का होगा और पीडीपी पूरी तरह से कब्रिस्तान में दफन हो चुका है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर पार्लियामेंट मेम्बर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हम बहुत जल्दी जेल भेजेंगे। बहरहाल आप देखे रहे कश्मीर स्क्रिप्ट।